नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। आज दिनांक 27 नवंबर 2020। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी प्रचार प्रसार अभियान के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रहलाद मोदी के आदेश अनुसार प्रदेश संगठन राघवेंद्र यादव के मार्गदर्शन में और सिलन साहू के नेतृत्व में हमने वार्ड क्रमांक 30 में जनता की समस्याएं सुनी, जिसमें गंभीर रूप से एक समस्या सामने आई है। वृद्ध महिला जो कि 80 साल की है, अयोध्या दी रायकवार, पुत्र का नाम पप्पू रायकवार, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है। अगर घर है तो घर के नाम एक झोपड़ी डली है। अम्मा के घर के पास शौचालय निर्माण के लिए गड्ढा खोदा गया था जो अधूरा डला है, उसमें वो एक दो बार गिर पड़ी है। तो सरकार से और हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगी कि आप उस अम्मा की मदद करें। पुनीत कार्य में हमारी टीम से चंबल संभाग अध्यक्ष महिला मोर्चा की प्रभा राजपूत जी और छात्र संघ परिषद उपाध्यक्ष दीपक अहिरवार जी उपस्थित रहे। दतिया से संवाददाता अंकित जैन की रिपोर्ट। और अम्मा ने बताया क्या 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 दिक्कत है दादी आपको? आप पहले दिक्कत बताओ। अभी तक आपको किसी चीज का लाभ मिला? पेंशन मिलती है आपको? 600 रुपए? नहीं मिला। कितने मिलते? महीना आवास का लाभ मिला? कुछ नहीं मिला, पैसा नहीं। तो रहती कहाँ हो दादी आप? राजा बेटी में। तो खुले में ऐसे रहती हो आप? अभी तक आपने किसी से कहा नहीं है? ना, सब मेरे देगा बेटा। हाँ। देगा, देगा। हाँ। और देगा, सब मेरा देगा। हमारा बेटा सब के लिए तो कैसे बने और हम सब झोपड़िया में गुजर कर रहे हैं। झोपड़िया में रहती हो आप? देख लिया दादी आप, है ना? चिंता मत करो, आपको है ना प्रधानमंत्री का हर योजना का लाभ मिलेगा जो आपके लिए बनाया गया है, गरीब जनता के लिए बनाया गया है ना, और फ्री में मिलेगा, कोई एक रुपए नहीं लगेगा आपको। अच्छा, शौचालय का लाभ भी नहीं मिला आपको, है ना? चलिए ठीक है दादी, है ना, हर आपको लाभ मिलेगा और फ्री में मिलेगा, ठीक है? आपसे ये वादा है। अरे नीरा की मोड़ी है जो,